तो भीलवाड़ा से खबर है, बड़ी खबर का रुख करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिजली निगम कार्यालय पर प्रदर्शन, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। पुलिस और छात्रों में बहस और धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी इसमें किया है। कृषि उपज मंडी रोड पर यह अफरा तफरी मच गई। पुलिस से उलझे एबीवीपी के छात्र नेता को हिरासत में लिया गया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद पुलिस आती है और फिर धक्का मुक्की शुरू होती है। दो छात्र नेताओं को पुलिस जबरन गाड़ी में बिठाती है और वहां से लेकर जाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में छात्रों की तरफ से बदसलूकी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मेरे सहयोगी नवीन जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पुलिस जिस तरीके से सबको भरकर ले जा रही है, ये गुस्सा का सिर्फ इस बात का कि ये प्रदर्शन किया जा रहा था, या छात्रों की तरफ से बदतमीजी पुलिस के साथ की गई है? विजेंद्र, ये छात्र संगठन के शासन अध्यक्ष पुलिस के शंकरलाल गुर्जर, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा था। सीमा जांगीर जो भी एमएलए सेठ मुरलीधर मानसिंह का सिन्हा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है, इसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा था। 12 अगस्त को विजेंद्र भीलवाड़ा में एक हादसा हुआ था, करंट से मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। इसी के मुआवजे की मांग को लेकर ये छात्र संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था, और प्रदर्शन के दौरान कुछ बदतमीजी छात्रों की तरफ से हो गई, कुछ जिसको कह सकते हैं गलतफहमी पुलिस के साथ हो गई। इसी वजह को ले इसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई। आखिर पुलिस ने आवेश में आकर जो शहर कोतवाल है निमित्त, वो मौके पहुंच गए सूचना मिलने के बाद में, और उन्होंने शंकरलाल गुर्जर जो की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष है जो सीमा जागीर, इनको हिरासत में लिया है विजेंद्र। और अभी जो मोटा मोटा भी घटना अफरा तफरी के बाद में, फिर वहां पर शांति है और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। नवीन, इस दौरान जो हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं उसमें पुलिस ने मारपीट भी की है, क्या बदतमीजी गालियां दी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, ये जो पूरा घटनाक्रम है उस समय जब ज्यादा बिगड़ गया, जब छात्र नेताओं ने जो अधीक्षण अभियंता एस के गुप्ता है, एस के उपाध्याय माफ करना, उनकी जब कुर्सी है उसी को अपने उनके चैम्बर से लाके रोड पर लाने का प्रयास किया। वहां पर इन्होंने जिसको कह सकते हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया उनके चैम्बर में। और जिस तरह से एक जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो पुलिस को गुस्सा आने का कारण जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है पुलिस बराबर इनसे अपील कर रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, उसके बावजूद छात्र काफी संख्या में इकट्ठे हो गए थे वहां पर बाहर, और उन्होंने इस तरह की हालत हो गई एकदम अचानक, जो जिसको कह सकते हैं कि पुलिस आखिर आवेश में आ गई और बदतमीजी के बाद में ये मामला बिगड़ गया, पुलिस को मारपीट करनी पड़ी। और ये हालात विजेंद्र बड़ी शर्मनाक घटना भी हुई, जब गाली गलौज की स्थिति भी आ गई थी। अच्छा नवीन, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कई लोग ऐसे हैं, कई छात्र ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया, तो क्या ये संख्या सिर्फ 2 है, इससे ज्यादा है? विजेंद्र, फर्स्ट बार जब यहाँ से 2 लड़कों को उठाया था, जिसमें शंकरलाल गुर्जर और रौनक हिंगड़ का नाम बताया जा रहा है, जिसको जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शंकरलाल गुर्जर और रौनक हिंगड़ जो कि अभी छात्र संघ का कुछ पदाधिकारी है यहाँ पर, उसको उठाया था पुलिस ने। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में सीमा जांगीर जो है छात्रा प्रतिनिधि है जो छात्र संघ के अध्यक्ष है कॉलेज गर्ल्स कॉलेज की, उसको भी हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। हो सकता है जो करीब 6 से ज्यादा लड़कों को एक साथ पुलिस जहां से उठा के ले गई है, हो सकता है थोड़ी देर बाद में उनकी गिरफ्तारी शो कर दे। विजेंद्र जी, बिल्कुल नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।